25 साल हो गए। जी सर, आप कोई तुच्छा था, आप दोनों एक मिसाल हो। मेरे को भगवान जी रैम्बो, लेकिन ये चूंकि इस्तेमाल शुदा नहीं है पैक, इसका मतलब ब्रांड न्यू है। क्या बात हुई सूली देवी रीमा और कैसा लगा? सो नाइस। This is the tray. This is gift for Hansa. This gift for you with the card. Thank you. And this is for both of you. Happy anniversary, Hansa. Thank you. वो थोड़ा फॉर्मल था ना। मेरी हसीन हसीन बहन, हसीन बहन दोस्त, हसीन बहन, बहन भी दोस्त भी, बहुत कुछ बहुत कुछ। खान साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? खैरियत? कपड़े एक जैसा कलर आ गया, क्या हो गया? अच्छा हाँ, पच्चीस साल गुजर गए। 25 साल माशाल्लाह साहिबा, रैम्बो की शादी को 25 साल हो गए, रैम्बो के अपेंडिक्स के ऑपरेशन को भी 25 साल। अच्छा जी, ये रीमा जी ने कार्ड दिया है, बड़ा खूबसूरत। डियर रैम्बो साहिबा, हेयर इज टू योर अमेजिंग जर्नी ऑफ 25th एनिवर्सरी। योर लव हैज़ गॉटन डीपर एंड स्ट्रॉन्गर एज टाइम हैज़ गॉन बाय। विशिंग यू बोथ ऑल द लव एंड हैप्पीनेस इन द यूनिवर्स। माशाल्लाह, लव रीमा, रीमा जी के साइन। और ये कुछ शायरी खूबसूरत सी की है रैम्बो और साहिबा के लिए। रीमा जी, ये अगर आप पढ़ें तो अच्छा होगा। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि जितनी पुरानी जितनी मजबूत हो जाए, इसे ताईदे ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में रह रहती हो, निगाहों से छलकती हो, लहू मुझक लगाती हो, हजार तरह के हसीन हाले बनाती हो, इसे धार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूँ गवाही अपने होने की, जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए, शब में बात जमीन को खोद कर देखे कि पौधा कहाँ तक पहुँचा। क्या क्या तबीयत में अजब तकरार की है, तो ये करार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे मैं सेक एक घूम कभी मुझसे मिलता, मोहब्बत है मुझे तुमसे मोहब्बत। अरे वाह वाह, पूरा लिखा है प्यारा कलाम। और आप दोनों का पता, मैंने आप लोगों को ये लिखते छोड़ दिया क्योंकि आप इस कलाम के मुस्तहिक हैं। पहले दिन से रहे वो, जिस तरह हर दिन हर लम्हा 25 साल आपने हर लम्हा साहिबा से इजहार मोहब्बत किया, हर अंदाज से आपने इसको इज्जत दी, आपने इसको मकाम दिया, आपने इसको प्यार दिया, और पूरी ईमानदारी और खलूस के साथ। उसके बदले में मुझे लगा कि ये मैंने आज तक कभी किसी को लिख कर नहीं दिया, तो मैंने कहा कि मैं इस कपल को डेडिकेट करूं। और इस बंदी की भी मैं इसलिए इतनी कदर करती हूं कि आपके मुश्किल हालात में भी इसका चेहरा मुस्कुराता रहा, इसके लफ्ज़ों पर हर वक्त खुदा का शुक्र रहा, और इसने कभी कंप्लेन नहीं की, इसने कभी हाय हाय नहीं की। अच्छा, उसकी वजह ये है कि शायद मैं समझती हूँ कि मैं अपनी ख्वाहिशात की कभी गुलाम नहीं रही इस वजह से भी। मगर देखो, हर लड़की ना कहने में, वो कहते हैं देयर शुड बी कंप्लीट कंपैटिबिलिटी बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स। आपके आपने जो कहा वो ज़्यादा आपने करके दिखाया, कहा कम,
करके दिखाया, और इसलिए मैं कहती हूँ सर साहब जी सर आप कोई तुच्छा काम नहीं, कोई तुच्छा, आप सबका प्यार है, दुआएं हैं, सच्चा वंडरफुल कपल, आप दोनों एक मिसाल हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे दोस्त, मेरी पूरी इंडस्ट्री में किसी के साथ भी ऐसी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं थी कि घर में बहुत आना जाना या हर तरह की बातें एक दूसरे के साथ डिस्कस करना सिवाय साहिबा के। तो मुझे लगता है कि जो मेरा इंतखाब था उस वक्त भी और आज तक मुझे अपने इंतखाब पर फख्र है कि एक हो नेक हो, नेक हो सच्चा क्या बात है, सच्चा और नेक दोस्त बहुत मैटर। और मैं भी साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि इसने मेरा बहुत साथ दिया है, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए इसने कभी शिकायत नहीं की। और मेरी फैमिली को, अम्मी अब्बू बहन भाइयों के अलावा मेरे रिश्तेदारों को ऐसा कर दिया है कि वो इसके दीवाने हैं। तो एक लड़का 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे भी नहीं नींद पूरी कर रहा, पर इतना काम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो देखे आप लोग सिर्फ एक कपल नहीं है, आप लोग बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं कि कैसे किसी जिंदगी में अपने ख्वाबों की तकमील के लिए, कुछ पाने के लिए किस तरह एफर्ट करनी चाहिए। और जो कोई अपनी मेहनत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है उसको मंजिल मिलती है, और फिर फल इतना प्यारा, इतने प्यारे बेटे माशाल्लाह। और फिर आज ये जो पुरसकून जिंदगी है माशरे में, खानदान में, दुनिया में, आप लोगों की इज्जत है, आप लोगों की कदर है, आप लोगों का एहतराम है। आप लोग दिखावे का प्यार नहीं दिखाते, आपका प्यार खुद दिखता है। आप लोग दिखावे की इज्जत नहीं मांगते, आप खुद इज्जतदार बन चुके हैं और वो साबित करके दिखाया। आप लोग किसी तरह से भी लोगों के सामने आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अमल खुद बोलता हुआ एक सबूत है। रीमा रुलाओगी अब आप, मैं रुलाओगी। मैं थी दूर से आई, तारिक वाज सो हैप्पी जब मैंने उनको बताने के लिए, अभी तारिक भाई का फोन आया और उन्होंने बाकायदा केक और बुके और गिफ्ट भिजवाए। जी जी हाँ, तारिक साहब को तो क्रेडिट दे दिया, लेकर कौन आया, लेकिन कहा किसने था उन्होंने क्या के अच्छा, था? मैं मुझे आज एक अजीब सा वो एक चीज लग रही है, अजीब सी नहीं बहुत अच्छी सी, कि अक्सर हम मिलते थे अपनी फिल्म की सिल्वर जुबली पे। अब माशाल्लाह हम अपनी शादी की गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली शादी की सिल्वर जुबली पे मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए शादी करना आसान है लेकिन शादी निभाना एक मुश्किल है, पर इज्जत से बहुत मुश्किल है लेकिन खूबसूरत। क्या बात है, खुशकिस्मत है हम लोग जिनके माशाल्लाह बेटर हाफ उनकी इज्जत करते हैं। हाँ। और दुनिया के सामने नहीं बताते कि हेलो हम अपनी बेगमात की इज्जत करते हैं, और बेगमात ये नहीं कहते हमारे मियाँ हमारी इज्जत करते हैं। हम मियाँ के बगैर भी कहीं नजर आ जाए तो हमारी शक्लों से पता चलता है कि हमारे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह। आयशा ने दिया, और बड़े अरसे के बाद मैंने कोई गिफ्ट लिया और पहन भी लिया, और ये मुझे गिफ्ट आया है जी, यार खोलने को दिल ही नहीं कर रहा, इतना प्यारा है। मेरे गिफ्ट इसी तरह पड़े रहते हैं। नहीं आप इस्तेमाल करें, साहिबा खुश होगी, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मैं खुश होंगी, कुछ खुशबू आएंगी क्योंकि मेरे को भगवान जी रेनबो वो नहीं रेनबो भी होता है, आई रेनबो। लेकिन ये चूंकि इस्तेमाल शुदा नहीं है पैक, इसका मतलब ब्रांड नहीं है। कई दफा लोगों को खुला मिल जाता जी। और जबरदस्त और ये केक, ये तो रीमा जी का दावा है कि बहुत मजे का केक है।
और ये हम अच्छा केक भी खुद ही ले आई हैं और इन्होंने हमें इन्होंने सरप्राइज दिया है रिश्ता लेने से लेके शादी तक और जो अब भी है। मेहनत आपने बहुत मेहनत की। वही तो कहती हूँ कोई मुझसे पूछता ना शोबिज में शादी क्यों नहीं की, नहीं तो कोई रैम्बो जैसे करेक्टर वाला होता तो रीमा और रैम्बो साहब अपने गाने देखते हैं। सुनी पे भी रिदम दियो। कैसा लगा? So nice, but it was a challenging, you know, event because I came all the way from US. आने के बाद एकदम jet lag भी और फिर तब pressure भी। बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। जैन भाई किधर हैं? जैन भी अंदर है। अच्छा तो आप लोग बाहर गए हुए थे? नहीं मैं तो सोया था, मेरी आंख खुली है। अच्छा चले, मुझे खुशी है। मैंने कहा ना आप दोनों का सबसे खूबसूरत तोहफा ये प्यारा बच्चा। आई लव यू, लव यू टू, लव यू टू। मैं ठीक ठाक माशाल्लाह। मजा जी बड़े हो गए यार। बच्चे बड़े हो गए और हम भी बड़े ही हैं। नहीं हम छोटे। सो हैप्पी टू सी यू ऑल। हैप्पी एनिवर्सरी। अब चम्मच के साथ चलिए खान साहब को वड्डा पेज खिलाना है। नहीं चम्मच के साथ मैंने से एक चम्मच खिलाया, मुझे इतना सा खिला है। मैं पप्पू को पम पम ना घर है ना ठिकाना, तो मुझे चलते जाना है। बस चलते जाना मुसाफिर हूँ यारो। सुना नहीं? ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना। तेनू कितना मैं प्यार करा, एक पल विच सौ बार करा। तू जावे जे मैनू छड़ के, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है।
मेरी सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहाँ कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू पास में, मैं तुझको कितना चाहता ये तू कभी सोचा।